क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की बात करते हैं तो हम यूजली मार्केट्स को क्लासीफाई करते हैं यहां परेशन ऑफ मार्केट्स की बात करते हो दिस इट कैन बी डॉन ऑन देशर्स एंड सेलर्स अगर हम स्टार्ट में इन मार्केट देर आर लार्ज नंबर ऑफ बस अगर उस मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स भी लार्ज हों तो हम क्या कहेंगे मार्केट इज अंपेटेटिव मार्केट अब यहां पे नंबर ऑफ बायर्स तो लार्ज ही हैं, लेकिन साथ में अगर मैं ये बात कर दूं इन दैट मार्केट देर इज ओनली वन सेलर देन क्या होगा दिस इज मोनोपोली फिर इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें कि इन अ मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स बायर्स यहां पे भी लार्ज हैं तो हम तब क्या कहेंगे This is a only market. फिर इसी में यहां पर एज्यूम कर लू इन दैट मार्केट देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट प्रोडक्ट दैट दे आर सेलिंग इज डिफरेंशियटेड इज डिफरेंशिएटेड टू समी प्रोडक्ट सेम है बट इट हैज सर्टन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिकोगे दिस इज मोनोपलिस्टिक कंपिटिशन फिर इसी पैटर्न पे इट माइट बी पॉसिबल वी कैटेगराइज मार्केट ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स अगेन मेरी एजम्प्शन क्या है अब मेरी यहां पे एजम्शन ये है कि इन दैट मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स लेकिन जब आप बायर के एंड पे जाते हो तो इट माइट बी पॉसिबल इन दैट मार्केट देयर इज सिंगल बायर हम कहेंगे दिस इज अप्सिंग मोनोप्स नहीं इसी पैटर्न पर अगर मैं बात करूं इन अ मार्केट देयर आर फ्यू बायर्स देन ये होगी एन एग्जांपल ऑफ कॉप्सनी जब आप बात करते हो मार्केट इज परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट देन दिस इज अ मार्केट वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर नो सेलर नो बायर नो सिंगल सेलर आर बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन मार्केट कि जो भी यहां एंड सेलर जो भी आपके पास सेलर है वो यहां पे क्या है प्राइस टेकर ही टू सेल इट्स आउटपुट इन इन मार्केट एट प्राइस दैट प्रिवेल्स इन मार्केट फिर दूसरा दूसरे characteristics यहां पे क्या है कि द प्रोडक्ट दैट इज ट्रेडेड इन द मार्केट इज होमोजीनियस इन नेचर के जी प्रोडक्ट इज नॉट डिफ्रेंशिएबल के ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेलर दे हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स फिर यहां पे जो रिसोर्सिस हैं आपके दोज रिसोर्सिस आर कंप्लीटली मोबाइल के द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट दोज रिसोर्सिस मोबाइल एंड देयर इज नो बैरियर टू एंट्री एंट्री एंड लीव फ्रॉम द मार्केट एनी वन काइन स्टार्ट इट्स बिजनेस एंड एनी वन कैन शट डाउन इट्स बिजनेस इन द मार्केट There is no barrier restrictions. There are no barriers on entry and exit. फिर जो एक लास्ट में हम बात करते हैं फॉर मार्केट दैट इज परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट के एवरी वन हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द फोर्सेज डेट डिटरमिन्स द प्राइस हां जी जो आपके बायर्स हैं दे हैव आल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट के जी मार्केट में प्राइस क्या है जब आप सेलर्स के रेफरेंस में बात करोगे सेलर आल्सो है इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्राइस प्राइस दैट प्रिवेल्स इन दार्केट इनफैक्ट सिर्फ रियलिटी में क्या है देयर इज नो कंपेटिटिव मार्केट बट देयर आर सम मार्केट्स दैट वी मे कंसिडर आर वेरी क्लोज टू द मार्केट जिसको आप कहते हो प्योरली कंपेटिटिव मार्केट और यहां पर हम मोस्टली एग्जाम्पल कोट करते हैं अबाउट मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल आउटपुट की हाँ जी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मार्केट फॉर मिल्क क्या है इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली क्या है इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेटेटिव मार्केट कि जो वीट एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहे है सिमिलर वीट इज प्रोड्यूस बाई अदर फार्मर्स कि जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं मैं कह सकता हूं कि ऑल क्रॉप्स आर

तब हम क्या कहते हैं दिस इज द मार्केट वेयर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर सफिशेंटली लार्ज लेकिन एक चीज यहां पे भी होगी कि नो वन कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट के इंडिविजुअल सेलर इंडिविजुअल बायर्स हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट सेलर्स आर प्राइस टेकर्स और जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या हैं इज सफिशियंटली मोजीनियस के प्रोडक्ट ऑफ वन फार्मर हम क्या कहेंगे इज ऑलमोस्ट परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अदर फार्मर फिर यहां पर मेरी यह भी एजम्प्शन है कि यहां पे ऑलथो देर इज सम कॉस्ट ऑफ एंट्री एंट्री एंड एग्जिट इन अ पर्टिकुलर मार्केट लेकिन मेरी यहां पे एज्शन क्या है कि तो दैट कॉस्ट इज नॉट जीरो लेकिन एजम्पन क्या है कि दैट कॉस्ट इज वेरी लो एंड बिकॉज ऑफ वेरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरी लो कॉस्ट टू एंटर और लीव इन फ्रॉम लीव फ्रॉम पर्टिकुलर बिजनेस तो हम क्या कहेंगे कि रिसोर्सेज आर वेरी मच मोबाइल और फिर जब आप इंफॉर्मेशन की बात करोगे इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हाँ जी ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी कोई फ्री तो नहीं होगी लेकिन दिस इंफॉर्मेशन आल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट बट दैट कॉस्ट इज आल्सो वेरी लो फिर इसी पैटर्न पे हम अपनी मार्केट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर दब्सोल्यूट मोनोपली मोनोपली में क्या होगा कि इन अ मार्केट देयर इज अंगल सेलर एंड द फर्म्स डिमांड कैजुअल जो होगा इट विल कॉन्साइड विद द इंडस्ट्रीज डिमांडलुट होगी दैट इजेटिवली और जब आप यहाँ पे बात करोगे अगर हम बासमती राइस की बात करें विद रेफरेंस टू पाकिस्तान मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस इन दर्ल्ड तो मैं कहूं क्या कहूंगा पाकिस्तान हैज अनापली इन द प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस मैं यहां पे कुछ इस पैटर्न पे भी बात कर सकता हूं कि जी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में देर आर नंबर ऑफ फार्मर्स आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में क्या है देर इज ओनली वन फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग हुआ कहूंगा कि उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर लोकेलिटी में द फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स ऑर्गेनिकली तो वो क्या है ही इज मोनोपली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी फिर इसी पैटर्न पर अगर मैं बात करू मोनोपलिस्टिक कम्पिटिशन की तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि दे आर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हां जी प्रोडक्ट्स आर मोरल जो आपकी प्रोडक्ट वो सेल करेंगे वो क्या होंगी दोज प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड लेकिन वो प्रोडक्ट्स क्या होंगी दो प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट लेकिन सेलर्स किस बेस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे आर सेलिंग इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे आर सेलिंग इन द मार्केट अब इस चीज को भी करने के लिए सपोज मैं यूं बात कर लेता हूं कि इन अ पर्टिकुलर मार्केट देर आर नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स ऑर्गेनिकली और यहाँ पे जो आपके फार्मर्स हैं वो जो भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज सर्विसेज अलोंग दैट ऑर्गेन अलोंग दैट सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अब जो वो सर्विसेज हैं वो क्या कर रही है दो सर्विसेस आर डिट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई डिफरेंट फार्मर्स हाँ यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स दैट आर प्रोड्यूस बाई डिफरेंट फार्मर्स इट माइट भी पॉसिबल दे हैव डिफरेंट दे आर डिफरेंट इन साइज तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि आल् तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स बट दे आर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैविंग डिफरेंट इन साइज आर दे आर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल अलोंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज तब मैं इसको क्या कहूंगा कि फार्मर आर ऑपरेटिंग अंडर मोनोप्लिस्टिक कंपिटिशन इट माइट बी पॉसिबल क्या जब आप मोनोपलिस्टिक कंपिटिशन की बात करो हमने तो बात की देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स लेकिन सेलर्स के रेफरेंस में क्या हो कि इट माइट बी पॉसिबल इन मार्केट देर आर फ्यू लार्ज फर्म्स के देर आर फ्यू लार्ज फर्म्स बट देर आर नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स लेकिन प्रोडक्ट्स क्या है प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड इन नेचर कि तो प्रोडक्ट्स आर क्लोज इंसूट बट दो प्रोडक्ट है फिर इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें ओलिगोपली की तो ओलिगोपली में हम क्या कहते हैं कि देयर आर फ्यू सेलर्स और जो भी आपका जो भी आपकी फर्म है इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट और जो भी एक्शन होगा एक फॉर्म का दैट एक्शन ऑफ वन विल एक्शन ऑफ अदर जब जी अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं जी हम बात कर लेते हैं अबाउट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान तो क्या है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिकॉपलिंग देर आर फ्यू मैन्युफेक्चर इन पाकिस्तान और डिसीजन मेकिंग ऑफ वन ट्रैक्टर मैन्युफेक्चर है अब यहां पे हम कई दफा ये सेग्रीगेशन भी करते हैं कि आइदर द मोनोपलीज प्योर आर आर आरपीगोपली इज डिफ्रेंशिएटेड इन नेचर जब आप प्योर ऑलीगोपली की बात करोगे यहां पे हमारी एक्जशन ये होगी कि द फर्म्स दैट आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट दे आर होमोजीनियस इन नेचर अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करें पाकिस्तान में तो देर आर फ्यू फर्म्स दैट आर प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, लेकिन उसमें नाइट्रोजन कंटेंट क्या है दैट आर प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन काल प्रोडक्ट हम बात कर लेते हैं इंसेक्टीसाइड की दे आर फ्यू फॉर्म्स दैट आर सेलिंग एग्रीकल्चरल इंसेक्टीसाइड इन पाकिस्तान लेकिन उन इंसेक्टिसाइड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफर करेंगे टू सम एक्सटेंट जी कंप्लीटली तो आप कह लें कि डिफर नहीं करेंगे बट दे हैव सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक एन एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन लेकिन अब यहां पर एग्जाम्पल है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपली अब अगर हम इस सारे को समराइज कर दें कि जब आप फार्मर्स कि आउटपुट के रेफरेंस में बात करोगे इट माइट बी पॉसिबल फार्मर इज प्रोड्यूसिंग इट्स आउटपुट इन परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट आर अंडर नॉन कंपेटेटिव मार्केट कंपेटिटिव मार्केट में क्या होगा जब आप कंपेटिटिव की बात करोगे हम वहां पे रहे हैं रहेंगे फार्मर इज प्रोड्यूसिंग इन प्योरली कंपेटिटिव मार्केट और वो प्योरली कंपेटिटिव मार्केट क्या है कि देयर आर सफिशेंटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हाँ जी देयर इट इन के इन दिस मार्केट इट इन्वॉल्व सम कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लेकिन कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्या है दैट इज वेरी लो फिर इसी तरह जब आप इंफॉर्मेशन की बात करते हो तो हम वहां पे बात करते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशनैलिटीज की और जो एक मेजर डिफरेंस है जब आप बात करते हो कम्पेटेटिव एंड नॉन कम्पेटेटिव मार्केट्स की तो इन कम्पेटिटिव मार्केट सेलर्स आर प्राइस टेकर वाइल अंडर नॉन कंपेटिटिव मार्केट जिसमें आप मोनोप्ली की बात करोगे मोनोप्लिस्टिक कंपिटिशन की बात करोगे आप ओलिगोपली की बात करोगे वहां पर जो आपका सेलर है दैट सेलर इज अ प्राइस मेकर अप डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस बाई दाइट बी पॉसिबल के जी वो लोकल कंडीशन में तो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूं लेकिन ग्लोबली इट माइट बी पॉसिबल क्या जी ग्लोबल लेवल पे मैं जब उस एग्रीकल्चर आउटपुट को बात एग्रीकल्चर uh, आउटपुट की बात करूं तो इट माइट बी पॉसिबल दैट एग्रीकल्चर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड अंडर नॉन कम्पेटिटिव मार्केट